हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर PST News पर। आज की वीडियो में बात करेंगे हिमाचल वेदर न्यूज़। हिमाचल में राहत की उम्मीद नहीं है, 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में बारिश की वजह से हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। प्रदेश की 620 सड़कें अभी भी बंद है। शिमला जोन में 190, मंडी में 230, हमीरपुर में 105 और कांगड़ा में 93 सड़कें बाधित हैं। PWD विभाग का कहना है कि मौसम साफ रहा तो विभाग जल्दी सड़कों को बहाल कर देगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है, अगले 48 घंटे में प्रदेश के लिए भारी बताए गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, लोगों में डर का माहौल है। बारिश की वजह से अब तक 10,338 घरों की आशंकित तौर पर नुकसान पहुँचा है। 5,133 गौशालाएँ बरसात की भेंट चढ़ चुकी हैं। प्रदेश को अब तक 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें PWD को 2,886 करोड़, जल शक्ति विभाग को 2,074 करोड़ और बिजली बोर्ड को 1731 करोड़ का रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। प्रदेश भर में बरसात की वजह से अब तक 372 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गर्भवती महिलाएं भारी बरसात की वजह से हिमाचल में एक गर्भवती महिलाएं हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे एयरफोर्स ने उसको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।